नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे के आदेशानुसार संपूर्ण महाराष्ट्र में लसीकरण की हो रही कमी के विरोध में मध्य नागपुर ब्लॉक कांग्रेस 18 के निर्देशन में केंद्र सरकार का विरोध किया गया। इस आंदोलन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, साथ ही काली पट्टी बांधकर लसीकरण की हो रही आपूर्ति का तीव्र विरोध किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट्टम ने किया व कार्यक्रम में संबोधन शहर युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष वसीम खान ने किया एवं केंद्र सरकार का विरोध भी किया। वसीम खान ने वैक्सीन की कमी को केंद्र सरकार की नाकामी बताई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से माजी नगर सेवक मोहम्मद कलाम, कांग्रेस सचिव महेश श्रीवास, शहर उपाध्यक्ष रवि गड़गे पाटिल, प्रभाग अध्यक्ष इरफान काजी, उपाध्यक्ष आशीष दीक्षित, ब्लॉक उपाध्यक्ष मदन लाल कौर और अन्य कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित थी। आज का ये हमारा जो निषेध है, ये हमारे कांग्रेस नागपुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री विकास भाई ठाकरे के मार्गदर्शक में हुआ है और ब्लॉक कांग्रेस मध्य नागपुर 18 के ब्लॉक के नेतृत्व में हुआ है। आज का हमारा जो निषेध है, जो ये वैक्सीन की कमी है, जो कि आज हिंदुस्तान में सिर्फ 6.5% लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है और जहाँ इसराइल जो वैक्सीन नहीं बनाता है वो 100% पूरे हो गए हैं, यूएई में 87% लोगों को वैक्सीनेशन हो गया और यूके में 55% लोगों को गया और ये शर्म की बात है। हिंदुस्तान वैक्सीन बना रहा है और सिर्फ 6-6.5% वैक्सीनेशन हुआ और आज महाराष्ट्र की हालत ये है। एक भी बार स्वास्थ्य मंत्री जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बार आने की यहाँ वो नहीं करी है। महाराष्ट्र का क्या हाल है, क्या हो रहा है, कुछ उनको खबर नहीं है। कल वैक्सीनेशन आ गई है साहब, लेकिन जब पता था दूसरा स्ट्रेन आएगा, पहले से पता था, पहले स्ट्रेन में हाल खराब था, दूसरा स्ट्रेन आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या की। आज नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह आज वेस्ट बंगाल में रैलियाँ कर रहे हैं। आज आप बोल रहे हैं महाराष्ट्र की हालत खराब है, तो महाराष्ट्र में एक भी बार स्वास्थ्य मंत्री का फेरा हुआ, एक भी बार दौरा हुआ, एक भी बार नरेंद्र मोदी जी ने या अमित शाह जी ने हाल जाना, क्या महाराष्ट्र का हाल है। क्वेश्चन हमने लिए क्यों नहीं लिए, आज हमने लॉकडाउन, आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉकडाउन किया गया है तो उसके भी अब सब विरोध हो रहे और विरोध होंगे भी क्योंकि हालत ख़राब है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या मदद है। आज आप दूसरी कंट्री में जाओ तो गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट हेल्प करती है पॉपुलेशन को। आज यहाँ आधार कार्ड जो एकदम नीचे स्थिति के लोग थे, आज उन पर हेल्प करना चाहिए था। 1-1.5 साल हो गया है, अभी ये परिस्थिति में नहीं है हिंदुस्तान या महाराष्ट्र के लॉकडाउन में। तो वैक्सीनेशन जितने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे तो इसमें पेशेंट जो पॉजिटिव वो कम आएंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।